दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार बोर्ड कक्षा 9 और 11 के छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक और मौका। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए नियमित और प्राइवेट श्रेणी के उन छात्रों जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है उनके लिए एक और मौका दिया गया है। 2022 में बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी अब 1 अगस्त 2021 तक अपना रजिस्ट्रेशन विलम्ब शुल्क के साथ करा सकते हैं। इससे पहले स्कूलों को 9 से 15 जुलाई तक और फिर 25 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया गया था, अब इसे और बढ़ाकर 1 अगस्त तक कर दिया गया है। आपको बता दें कि कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए वेबसाइट senior-secondary.biharboardonline.com और 9वीं के छात्रों के लिए secondary.biharboardonline.com जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। बड़ी खबर, बिहार के कई शहरों से ओडिशा के लिए जल्द शुरू होगी बस सेवा, यूपी झारखंड के नए रूटों पर भी होगा विस्तार। जी हां, बिहार के कई शहरों से ओडिशा के लिए जल्द बस सेवा शुरू होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए भी नए रूटों पर बस सेवा का विस्तार किया जाएगा। राज्य वाहन प्राधिकार ने ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के शहरों के परमिट के लिए इच्छुक वाहन मालिकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जानकारी के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से 10 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। परिवहन विभाग ने बिहार से के बीच 11 रूट तय कर परमिट के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें भुवनेश्वर, राउरकेला, सुंदरगढ़, रायरंगपुर, बालासोर, बारीपाड़ा जैसे शहर शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए करीब आधा दर्जन मांगों का चयन निजी संचालन के लिए किया गया है। इसमें पटना, आरा, बक्सर, सासाराम, छपरा, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया जैसे शहरों को जोड़ा जाएगा। इसके पूर्व पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कई शहरों के लिए भी बस सेवा के लिए रूट तय किए गए हैं। बड़ी खबर, बिहार पंचायत चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की नहीं होगी तैनाती, राज्य के अपने सुरक्षा तंत्र के सहारे होगा चुनाव। जी हां, बिहार में प्रस्तावित पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के अपने सुरक्षा तंत्र के सहारे पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया है। आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पंचायत चुनाव 10 चरणों में कराया जाना है। ऐसे में राज्य के अपने सुरक्षा तंत्र का ही उपयोग पंचायत चुनाव के दौरान किया जाना है। राज्य में अतिरिक्त पारा मिलिट्री फोर्स अथवा केंद्रीय बलों की जरूरत नहीं होगी। आयोग सूत्रों ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान सभी जिलों में जिला पुलिस बल, बिहार सैन्य पुलिस और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की जाएगी। सिर पर हेलमेट, हाथों में झाल लेकर पहुंचे आरजेडी विधायक, बोले कहीं फिर से ना हो जाए हमला। जी हां, बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार से हुई है। इस दौरान विपक्ष के कई विधायक अलग ढंग से विरोध प्रदर्शन करते हुए विधानसभा पहुंचे। इनमें राजद के विधायक सतीश दास सिर पर हेलमेट लगाए और हाथों में झाल लेकर पहुंचे तो सबकी नजरें उन पर टिक गई। राजद विधायक ने कहा कि वह यह झाल सीएम नीतीश कुमार को सौंप देंगे। गौरतलब है कि पिछले बजट सत्र के दौरान विधायक सतीश दास पर भी हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि पिछले बजट सत्र में उन पर हमला हुआ था, इस वजह से उन्हें पीएमसीएच और उसके बाद दिल्ली एम्स रेफर किया गया था। सदन में फिर से उन पर हमला ना हो जाए इसीलिए वह आज हेलमेट लगाकर आए हैं और नीतीश कुमार को झाल सौंपने आए हैं। इस तरह विधायक मुकेश रोशन मेडिकल किट लेकर कल विधानसभा पहुंचे। विपक्ष के कई विधायक ने कल काला मास्क लगा रखा था। उन्होंने बजट सत्र के दौरान विधायकों के साथ हुई मारपीट मुद्दा उठाया। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र कल यानी 26 जुलाई से शुरू होकर 30 जुलाई तक चलने वाला है। सरकार ने सत्र के दौरान कई विधेयकों को पास कराने की तैयारी की है। बड़ी खबर, बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं, मुकेश सहनी ने बैठक छोड़ते हुए सरकार पर किया अटैक, कहा हमारी सुनी नहीं जा रही है। जी हां, बिहार में मानसून सत्र के शुरू होते ही एनडीए के घटक दलों में तानातानी बढ़ने की खबर आ रही है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाले एनडीए विधायकों की मीटिंग में मुकेश सहनी नहीं पहुंचे। सहनी की अनुपस्थिति के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में सहनी को लेकर अचकलों पर दौर भी शुरू हो गया है। वहीं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर मीडिया से बातचीत की। विधानसभा परिसर में मुकेश सहनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम सरकार में हैं लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए हम बैठक में नहीं गए।
दूसरी ओर मुकेश सहनी ने योगी आदित्यनाथ को चेताया, मुझे यूपी में घुसने से रोका तो हम भी आपको बिहार आने से रोक देंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश में सियासी जानदार बढ़ाने की जुगत में लगे मुकेश सहनी ने वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेताया है। मुकेश सहनी ने कहा कि जिस तरह से उन्हें उत्तर प्रदेश में घुसने से रोका गया, उसी तरह से वे भी यूपी के नेताओं को बिहार में घुसने से रोक सकते हैं, लेकिन हम नीतीश जी की सरकार को बदनाम नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनने जा रही है। मुकेश सहनी ने कहा, योगी आदित्यनाथ एक व्यक्ति से डर गए, उन्हें एक व्यक्ति से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा हो गया। मुकेश सहनी ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में फूलन देवी की प्रतिमा लगाने गए थे, उसे समाज जितना यूनाइटेड होता है उससे ज्यादा यूनाइटेड योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। पूरे देश में फूलन देवी को मानने वाले लोग यूनाइटेड हो गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, मुकेश सहनी बोले, एनडीए में सम्मान नहीं मिल रहा लेकिन सरकार में बने रहेंगे, पीठ में खंजर भोंकने वालों के साथ जाने का सवाल ही नहीं। जी हां, पटना में सोमवार को एनडीए विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने वाले मुकेश सहनी ने कहा कि उन्हें और जीतनराम मांझी को सम्मान नहीं मिल रहा है, इसीलिए वे विधायक दल की बैठक में नहीं गए, लेकिन फिर भी सरकार में बने रहेंगे। सहनी ने साफ किया कि वे तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीठ में खंजर भोंकने वालों के साथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बड़ी खबर, अब अपने नजदीकी डाकघर में भी पासपोर्ट के लिए कर सकेंगे आवेदन, जानिए आसान प्रक्रिया। जी हां, अगर आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं तो पासपोर्ट सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए अब आप अपने पास के डाकघर में भी आवेदन दे सकते हैं। इंडिया पोस्ट अब देश के कई डाकघर में भी पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन और पासपोर्ट आवेदन करने जैसे कई सुविधाएं दे रहा है, इसके लिए आपको केवल डाकघर के कॉमन सर्विस सेंटर काउंटर पर जाना है। इंडिया पोस्ट ने इस सुविधा की जानकारी एक ट्वीट के जरिए दी है। इसमें उन्होंने लिखा है, अब डाकघर के सीएससी काउंटर पर पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना और आवेदन करना सरल हो गया है। आप कई डाकघरों में पहले से मौजूद पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाकर पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब तक पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना पड़ता था, लेकिन अब यह काम पास के डाकघर में भी हो जाएगा। बड़ी खबर, बिहार में फिर सक्रिय हुआ मानसून, इन 5 जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी। जी हां, बिहार में पिछले 15 दिनों से कमजोर पड़ रहा मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, अब इसका असर भी शुरू होने वाला है। मौसम विभाग की माने तो मानसून का ट्रफ बिहार से होकर गुजर रहा है, इसकी वजह से राज्य के अधिकांश इलाकों के लिए वज्रपात गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए पूर्वानुमान जताया कि मानसून का ट्रफ बिहार से होकर बंगाल की खाड़ी के कम दबाव के क्षेत्र तक पहुंचेगा, जिससे मौसम में बदलाव के कारण भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर बिहार में भारी बारिश हो सकती है, जबकि बाकी जगहों पर भी अगले 24 घंटे में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज और बेगूसराय में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन इलाकों के लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। लोगों से मौसम विभाग ने अपील की है कि खुले स्थानों पर ना जाए और पेड़ के नीचे शरण ना ले, पक्के स्थानों पर ही क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। इसके अलावा मौसम विभाग ने नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, गया और पटना के लिए भी अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर, बिहार के छात्रों के लिए अच्छी खबर, पहली से 12वीं तक के स्टूडेंट को बिना शर्त मिलेगी प्रोत्साहन राशि। जी हां, राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक संस्कृत एवं अल्पसंख्यक अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना महामारी के कारण भले ही वर्तमान शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थी की कक्षाएं बाधित हो रही है, लेकिन शिक्षा विभाग ने पहली से 12वीं कक्षा के तकरीबन 2 करोड़ विद्यार्थियों को 75% हाजिरी की अनिवार्यता की शर्तें हटाकर छात्रवृत्ति, पोशाक, प्रोत्साहन एवं साइकिल समेत अन्य योजनाओं की राशि देने का फैसला किया है। विभाग द्वारा इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिस पर वित्त विभाग से सहमति ली जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना इंटर कक्षा में ₹25,000 दिए जाएंगे, वहीं मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना 10वीं में प्रथम स्थान आने पर ₹10,000 दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री बालिका या बालक साइकिल योजना में ₹3,000 दिए जाएंगे। वहीं बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना में 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए ₹1,500 दिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पोशाक योजना कक्षा 1 से 2 के सभी बच्चों में ₹600 दिए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री पोशाक योजना कक्षा 3 से 5 तक में ₹700 दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पोशाक योजना कक्षा 6 से 8 तक के सभी बच्चों में ₹1,000 दिए जाएंगे और मुख्यमंत्री किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में 7वीं से 12वीं तक के छात्रों को ₹300 दिए जाएंगे। और अंत में छात्रवृत्ति योजना में कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों को ₹600, कक्षा 5 से 6 तक के बच्चों को ₹1,000 और कक्षा 7 से 10 के बच्चों को ₹1,800 दिए जाएंगे।
बिहार में जल्द ही होगी 7,000 आयुष डॉक्टर की बहाली। बेगूसराय, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में खुलेंगे आयुर्वेद कॉलेज। जी हां, बिहार में जल्द 7,000 आयुष डॉक्टर की बहाली होगी। इसके लिए तकनीकी सेवा आयोग वैकेंसी निकालेगा। बेगूसराय, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में 3 से 4 साल में 3 नए आयुर्वेदिक कॉलेज बनेंगे। स्वास्थ्य मंत्री की सहमति के बाद अब मुख्यमंत्री से स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद मेडिकल कॉलेजों का निर्माण शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर, मार्च में पटना से राजगीर तक पहुंच जाएगी गंगा। इसके बाद नवादा गया के बारे सीएम नीतीश ने ली जानकारी। जी हां, अगले वर्ष मार्च तक गंगा जल राजगीर पहुंच जाएगा। यह पटना जिले से शुरू होने वाले पाइपलाइन के जरिए शुरू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के अलाइनमेंट का हवाई सर्वे किया। जल संसाधन मंत्री संजय झा भी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से उस अलाइनमेंट का जायजा लिया, जिसके तहत गंगा जल को राजगीर पहुंचाया जा रहा है। राजगीर के बाद गंगा जल को नवादा व गया सर पहुंचाया जाना है। मुख्यमंत्री हाथीदह भी गए थे, जहां से लोहे के बड़े बड़े पाइप के माध्यम से गंगा जल को राजगीर पहुंचाया जाना है। वहां इसे स्टोर कर इसे पेयजल के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। बड़ी खबर, आईआईटी में एडमिशन के लिए 3 अक्टूबर को होगी जेई एडवांस परीक्षा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी सूचना। जी हां, आईआईटी में एडमिशन के लिए होने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि जेई एडवांस 3 अक्टूबर को आयोजित होगी। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सूचना दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षा का आयोजन सभी कोरोना एहतियातों का पालन करते हुए किया जाएगा। आपको बता दें कि जेई मेन में सफल अभ्यर्थियों में कुछ अव्वल छात्र देश के विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश के लिए जेई एडवांस परीक्षा में भाग लेते हैं। आमतौर पर जेई एडवांस में करीब 2,00,000 छात्र आवेदन करते हैं। बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में आईएएस आईपीएस अफसरों के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने सभी डीएम एसपी से मांगी जानकारी। जी हां, बड़ी खबर शिक्षा विभाग से है, जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले आईएएस आईपीएस अफसरों के बच्चों की जानकारी मांगी गई है। शिक्षा विभाग ने सभी डीएम एसपी को रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। पटना हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर सरकार हरकत में आई है। इस मामले में मुख्य सचिव 4 अगस्त को इसकी समीक्षा करेंगे। शिक्षा विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के बच्चों की पढ़ाई से संबंध में जानकारी मांगी है। पटना हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र भेजा है। शिक्षा विभाग के पत्र में कहा गया है कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा कौशल किशोर ठाकुर बनाम बिहार राज्य मामले में 13 जुलाई 2021 को अंतरिम न्यायाधीश पारित किया गया है। उसमें राज्य में पद स्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा तथा श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 के पदाधिकारियों के कितने बच्चे सरकारी प्राथमिक एवं अन्य विद्यालयों में अध्ययनरत है, संबंध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। और अंत की बड़ी खबर, भाजपा के स्टार प्रचारक ने दिया पार्टी को झटका, इस्तीफा देकर थामा कांग्रेस का हाथ। जी हां, बीजेपी को बिहार में झटका लगा है। धार्मिक न्यास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भाजपा के स्टार प्रचारक गौरव कृष्ण चंद्र शास्त्री ने भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह संत समाज का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए करती है। सोमवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा की मौजूदगी शास्त्री कांग्रेस में शामिल हुए। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि प्रत्येक वर्ष हमारे देश में 26 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।